अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय सेल्फ मोहम्मद वकास खान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प एकेडमी। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एनुअल इंग्लिश का जो पहला पार्ट है उसका सिलेबस क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का यूएओएस एनुअल सिस्टम एम इंग्लिश का एनुअल सिस्टम है, उसके पहले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कितने नंबर के उसमें पेपर आता है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो वीडियो के बारे में आपकी राय है वो लाजमी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली स्टडी के मुतालिक जो वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि टोटल 5 पेपर्स हैं और हर पेपर के सामने 100-100 नंबर लिखे हैं, 100 मार्क्स का एक पेपर है, टोटल मिला के 1500 पेपर। पहला पेपर है, आप देख सकते हैं पेपर है क्लासिकल पोइट्री का जो कि 100 नंबर का, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स की बुक्स हैं। दूसरा पेपर हमारा ड्रामे का, वो भी 100 नंबर का, इसमें मुख्तलिफ राइटर्स हैं। थर्ड पेपर हमारा फिक्शन का, जिसको हम नावल कहते हैं, नावल फिक्शन एक चीज़ ही है, वो भी 100 नंबर के, इसमें मुख्तलिफ राइटर्स होंगे। जो फोर्थ पेपर है वो हमारा प्रोज का है यानी एसेज का है, वो भी 100 नंबर का है। इसके बाद लास्ट पेपर है अमेरिकन लिटरेचर, ये भी 100 नंबर का, टोटल मिला के हमारे बारे ये 500 नंबर। यानी फर्स्ट पार्ट जो हमारा एनुअल सिस्टम है उसमें सिर्फ हमारा ये 5 बुक्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ राइटर्स की बुक्स होंगी, यानी 5 पेपर हैं मुख्तलिफ राइटर्स की बुक होंगी, और हर पेपर 100-100 नंबर का, टोटल मिलाकर बांट रहे हैं 500 नंबर। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि पेपर 1 क्लासिकल पोइट्री, इसके अंदर ये डिटेल है, जो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है राइटर्स के नेम, और राइट साइड पे है जो इनकी बुक्स हैं या उनकी बुक्स में से क्या क्या चीज़ पढ़नी है उसकी डिटेल है। जो पहला हमारे पास राइटर है जेफरी चॉसर है, इसकी जो हमारे पास बुक है पहले राइटर की है द परलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, हमने पहली बुक है ये पूरी पढ़नी है। सेकेंड राइटर जो हमारे पास है एडमंड स्पेंसर, इसकी जो बुक है फेरी क्वीन, इसकी बुक 1 और उसका कैंटो 1 पढ़ना है सिर्फ, ये 2 राइटर हो गए। तीसरा राइटर जॉन मिल्टन, इसकी जो हमारे पास बुक है पैराडाइज लॉस्ट, ये टॉपिक है बुक का पैराडाइज लॉस्ट, तो इसकी जो बुक 1 है पैराडाइज लॉस्ट की उसकी लाइन 1 to 100 पढ़नी है, और 5 पेजेस ऑफ सैटन एंड शैतान की 5 पेजेस पढ़ने हैं, इस बुक 1 में से सिर्फ ये डेटा पढ़ना है, और बुक 9 इसकी जो है पैराडाइज लॉस्ट के उसकी स्पीचेस ऑफ एडम एंड ईव, यानी जो 9 बुक के पूरी नहीं पढ़नी, उसमें सिर्फ स्पीचेस ऑफ हज़रत आदम सलाम हज़रत अम्मा हवा सलाम की जो स्पीचेस हैं वो पढ़नी है। इसके बाद जो फोर्थ राइटर है वो विलियम शेक्सपियर है, जिसके आप सामने देख सकते हैं टोटल 8 सोनेट्स हैं, ये हमारे 8 सोनेट्स पढ़ने हैं सिर्फ विलियम शेक्सपियर के। फिफ्थ जो है हमारे पास जॉन डन, इसका सिलेक्शन फ्रॉम लव एंड डिवाइन पोइम्स, इसकी आप देख सकते हैं टोटल 10 पोइम्स दी गई हैं सामने, और लास्ट जो है 3 वो हैं होली सोनेट्स, ये टोटल मिला के हमने इनकी 10 पढ़नी, पूरी बुक नहीं पढ़नी इनकी, इसकी हैं ये टोटल 10 पॉइंट्स। लास्ट जो हमारे पास छठा राइटर है वो अलेक्जेंडर पॉप, इसका हमने जो बुक है रैप ऑफ द लॉ, इसका सब हमने 3 कैंटो पढ़ने इस बुक में से, कैंटो 1, 2 एंड 5 रैप ऑफ द लॉक, रैप मेन काटना ऑफ द लॉक, लॉक मेन जो लट होती है हमारे, लट होती है लट नहीं लट, जो लड़की के औरतों के जो बालों की लट होती है वो, यानी इस कहानी के अंदर के और लड़की के बालों की जो लट है वो काटी गई थी, रैप ऑफ द लॉक। ये टोटल 6 हमारे पास हैं पहले पेपर के सिलेबस के, 6 हैं क्या कहते हैं राइटर्स हैं उनके सामने बुक्स और डिटेल है। अब हमारे पास जो दूसरा पेपर है आप देख सकते हैं पेपर 2 ड्रामा, इसके अंदर आप देखें लेफ्ट साइड पर सिर्फ 4 राइटर्स है और इनकी बुक्स पढ़नी है। पहला राइटर है स्फोकलेस, इसके हमने बुक पढ़नी एडिपस रेक्स, ये हमारे पास एक ड्रामा है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो, इसका हमने पढ़नी है बुक जियो ऑफ माल्टा, ये भी फुल पढ़नी है। थर्ड राइटर है विलियम शेक्सपियर, इसके हमारे पास सामने 2 बुक्स दी गई है ओथेलो द टेम्पेस्ट, इसके हमने दोनों बुक्स पढ़नी है। और लास्ट 1 फोर्थ राइटर है ऑस्कर वाइल्ड, इसके हमारे पास पढ़नी है, इसकी हमने पढ़नी इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एर्नेस्ट। ये ड्रामे के अंदर हमारे पास टोटल 4 राइटर हैं और उनके सामने 5 बुक्स हैं, यानी विलियम शेक्सपियर की हमारे पास 2 बुक्स हैं, बाकी राइटर की हैं 1 है। टोटल मिला के ड्रामे के अंदर हमने पढ़नी है 1 साल के अंदर कितनी दोस्तों, 5 बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पेपर है वो है फिक्शन यानी नावल है, पेपर 3 नावल है। आप सामने देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे नावल के अंदर टोटल हमारे पास राइटर हैं 5 और इनकी बुक्स भी 5 हैं, यानी हर राइटर की 1-1 बुक पढ़नी है।
इसमें पहला राइटर है हेनरी फील्डिंग, जिसकी है जोसेफ एंड्रीज पढ़नी है हमने। इसके बाद सेकंड राइटर है जेन ऑस्टन, इसकी हमने पढ़नी प्राइड एंड प्रिजुडाइस, सॉरी इसकी मेरे पास थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन नहीं हुई सही तरह। इसके बाद हमारे पास थर्ड राइटर जो कि चार्ल्स डिकेंस, इसकी हमने पढ़नी है अ टेल ऑफ द टू सिटीज़, जिसके पास आप देख सकते हैं कि चौथा जो राइटर है वो हमारे पास है जॉर्ज इलियट, इसके हमने पढ़नी द मिल ऑफ द फ्लॉस। एंड लास्ट वन जो हमारे पास राइटर है थॉमस हार्डी, इसके हमने पढ़नी है बुक्स टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स। तो नावल के अंदर दोस्तों हमारे पास थर्ड पेपर है जो नावल का, उसके अंदर हमारे पास पाँच राइटर्स है और पाँचों राइटर्स की एक एक बुक के टोटल मिला के पाँच बुक्स पढ़नी है नावल के अंदर। इसके बाद हमारे पास दोस्तों फोर्थ पेपर है प्रोज, मीन हमारे पास एसएस का पेपर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल पांच राइटर्स हैं और पांचों राइटर्स के सामने बुक्स या उनके बुक्स के अंदर जो जो टॉपिक पढ़ने उसकी डिटेल है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला राइटर है सर फ्रांसिस बेकन, इसके जो एसएस हैं वो सामने एसएस बताए गए हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी। इसमें से जो एसएस हैं जैसे कि पहला है ऑफ द ऑफ रेवेंज, ऑफ एम्बिशन, ऑफ स्टडी, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एडवर्सिटी एंड ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। ये देखें इस इनकी फ्रांसिस बेकन की बुक है एसेज, इसमें से हमने से ये एसेज तैयार करने हैं। इसके बाद सेकंड राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, इसके पढ़ने हैं गुलिवर्स ट्रेवल बुक वन एंड फोर। हमने गलीवर ट्रेवल्स के सॉरी सॉरी बुक वन एंड फोर नहीं, बुक के अंदर पहले बुक के अंदर ही सफ़र हैं गलीवर ट्रेवल्स के, वन एंड फोर यानी एक से चार जो सफ़र हैं वो पढ़ने हैं। बुक एक ही है, इसके अंदर टोटल चार सफ़र है वो हमने पढ़ने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जो हमारे पास है राइटर लेटन स्ट्रेच, इसकी सिलेक्शन फ्रॉम एमिनेंट विक्टोरियंस, इसके आगे हम दो दिए हूँ इन्होंने, एंड ऑफ द जनरल जॉर्डन एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ राइटर है बर्ट्रेंड रसल, इसके हैं सिलेक्शन ऑफ एसेज। ये हमारे पास हैं टोटल सिक्स एसेज जो कि आप सामने देख सकते हैं। पहला एसे है फिलासफी एंड पॉलिटिक्स, सेकेंड है द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, थर्ड है फिलासफी फॉर लेमेन, फोर्थ है द फंक्शन ऑफ अ टीचर, फिफ्थ है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एंड लास्ट वन सिक्स एसे है जो आइडियाज डैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। एंड इसके बाद हमारा प्रोस का जो लास्ट राइटर है लास्ट वन है वो है एडवर्ड डब्ल्यू सैड, जिसकी हमने पढ़नी है बुक इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। ये हमारे पास प्रोस जो कि फोर्थ पेपर है, सेकंड लास्ट पेपर है हमारा एमए पार्ट वन का, एमए इंग्लिश पार्ट वन यूएस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का। ये हमारे पास पाँच राइटर उनके सामने डिटेल है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट पेपर जो रह जाता है पेपर फाइव है वो अमेरिकन लिटरेचर का है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये तीन पोर्शन दिए गए, पहला पोएट्री का, दूसरा ड्रामे का, तीसरा नावल का। और सामने ये सही साइड पे लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन दिए इन्होंने इन्होंने लिखे हुए हैं कौन कौन से राइटर की पढ़नी है, ये सामने इसकी डिटेल दी हुई है कि उस बुक में से क्या क्या चीज़ हमने टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि पोएट्री का है उसमें है वॉल्ट वाइट मैन, इसके आगे देखें आप आठ टॉपिक दिए हुए इसमें। जैसे पहला टॉपिक है देयर वाज अ चाइल्ड मैन फोर्थ, तो इसी तरह ये आठवें हैं, इस टोटल आठ टॉपिक पढ़ने हैं। पोइट्री के सेक्शन में जैसे दूसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके भी आठ दिए गए हैं। जैसे कि पहले मेंडिंग वॉल, लास्ट है मीटिंग एंड पासिंग, इसके बाद पोइट्री का है थर्ड राइटर आप देख सकते हैं इसका है जॉन एशबरे, इसके इन्होंने दिए हुए हैं सिर्फ दो, इसके हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं। एंड लास्ट जो राइटर है वो है रिचर्ड विल्बर, इसके भी हमने दो पढ़ने हैं। यानी पोइट्री सेक्शन में हमें इन्होंने तीन राइटर दिए, चार राइटर दिए सॉरी, वो चार पढ़ने हैं। उसके बाद ड्रामा सेक्शन हमारे पास आता है, ड्रामा सेक्शन में आप देख सकते हैं दो राइटर है एगन ओनेल एंड इसके बाद आर्थर मिलर है। तो इनके हमने दो, इस ये भी दो राइटर हैं, इनके भी दो के पढ़ने हमने। इसके बाद लास्ट जो है नावल, नावल में है अर्नेस्ट हेमिंगवे और लास्ट है टोनी मेरिसन, सॉरी इसमें थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मेरी हिल गई है। यानी कि अमेरिकन लिटरेचर के अंदर हमारे पास तीन पोर्शन है, पहला है पोइट्री, दूसरा है ड्रामा, तीसरा नावल। पोइट्री में हमें चार राइटर बताए गए हैं, ड्रामे में दो और नावल के अंदर हमें बताए गए हैं दो। टोटल मिला के इसके अंदर हमें राइटर तैयार करने हैं आठ। लेकिन ये देख के हमें पहले घबराहट होती है कि बहुत ज़्यादा है। आप बुक्स देखेंगे तो बुक्स देखो तो दिल करता है करें ना, क्योंकि बुक्स 25 से ऊपर ही उम्मीद है, अबाव 25 से ऊपर ही हैं बुक्स।
मैंने भी पहले देखा था तो मुझे भी डर लगा था, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ये बहुत इजी है, नहीं मुश्किल करता, बस इंटरेस्ट थोड़ा सा चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एमए इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का एनुअल सिस्टम है। पहले पार्ट में कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से राइटर है, कितने नंबर का पेपर आएगा, टोटल 500 नंबर होंगे और हर पेपर के 100-100 नंबर हैं और टोटल 5 पेपर होंगे। ये 5 पेपर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपनी राय का इज़हार मेरे कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।